तो आज की हमारी इस क्लास में हम पेस्ट स्पेशल में बात कर रहे हैं, एडवांस पेस्ट स्पेशल की। और हमने लास्ट क्लासेस में पेस्ट स्पेशल के जो पेस्ट वाले पार्ट थे उस पर हम डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम पेस्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, ऑपरेशन का क्या यूज है। देखिए जनरली क्या है कि 20 और 30 लिखा हुआ है, अगर हम 30 को 20 के ऊपर पेस्ट करें तो 30 20 से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन इसी के ऊपर मैं पेस्ट स्पेशल करूं और पेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, तो अब दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी, दोनों के बीच पे आपका एडिशन होगा और रिजल्ट जो 50 है वो यहां पेस्ट हो जाएगा। ओके तो बेसिकली इसका यूज क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एक डेटा ले रहा हूं, और यहां पे मैं जैन फैब मार्च का हमने रिकॉर्ड ले लिया। और इस पूरे को हम यहां, अब यहां भी क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो मेरा टारगेट है ना, टारगेट 70 है, ठीक है। अब जब मैं किसी को मेल भेजाऊं तो बोलते हैं कि किसने कितना परसेंट अचीव किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये बताइए कि इसका परसेंटेज क्या है, मतलब कि कितना परसेंट अचीव किया, क्या फिगर है उससे मतलब नहीं है। तो हमने 70 को कॉपी किया और इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां पे मैंने कर दिया डिवाइड, सारे नंबर को 70 से डिवाइड कर दिया, और आप यहां पे परसेंटेज का सिंबल देते हैं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने। ओके मान लीजिए सबका, तो मान लीजिए ये है 70 था, लेकिन मान लीजिए हर किसी का अलग अलग टारगेट हुआ, तो मैं हर मंथ के हर पर्सन का अलग अलग टारगेट है, और टारगेट को हमने एक सीक्वेंस में लिख रखा है, टारगेट को हमने एक सीक्वेंस में लिख रखा है। अब क्या करना है मुझे कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसको कॉपी करते हैं और सेम सीक्वेंस में इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हम कर देते हैं डिवाइड। तो जैसा है ना, सेम उसी तरह से आप देखेंगे कि डिवाइड हुआ और रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। तो अब एक सेल को मल्टीपल सेल में डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीपल सेल टू मल्टीपल सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेल्स की फिगर्स है, और इसको मैंने क्रॉस चेक करने के लिए क्यूसी टीम को दिया हुआ है। तो क्रॉस चेक करते समय कुछ थी चीजें, जैसे 20 डे 60 है, 77 नहीं 71 है, 69 नहीं 96 है, 27 है, ये आपका 67 है, इस तरह कुछ अपडेट्स है, ठीक है। तो हमने हजारों डेटा में से कुछ 100 निकाले हुए, अब मुझे इसको अपडेट करना, मतलब कि हमने डायरेक्टली इस पे चेंज नहीं किया है, हमने इसके बगल में लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है कि सबको अपडेट करना है, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया हुआ, अब मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके इसके ऊपर राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल में, यहां दिख रहा होगा स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक करने से क्या होगा, जो ब्लैंक्स है वो स्किप हो जाएंगे, जो ब्लैंक्स है वो स्किप हो जाएंगे, और वही पेस्ट होगा जिसके सामने कोई वैल्यू डाला होगा, 60 है, 71 है, 96 है, 27 है, 67 है,
दिख रहा है? ये नहीं समझा मुझे क्या हुआ अभी। देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर मैं पूरा कॉपी करके इसे पेस्ट करता हूँ तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से ना। मुझे ऐसा हाँ नहीं करना है, जिसके सामने वैल्यू है, जिस 20 के सामने 60 है ना, मुझे 60 को डालना है। 71 के सामने वैल्यू 71 को डालना है, इस तरह से। ठीक है सर? ठीक है ओ सर? अच्छा अभी ऐसे समझ एक एक गया, करके मतलब सामने डालेंगे तो टाइम लग जाएगा ना जो सर। वैल्यू वो वैल्यू वहां पे लानी। तो हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास होता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक मतलब समझते हैं मतलब कि जो ब्लैंक जो, हाँ जो बॉक्सेस है ब्लैंक है वो उसको कॉपी से बाहर कर देगा और जो वैल्यू होगी वही पेस्ट करेगा। जो ब्लैंक होगा उसको कॉपी से बाहर कर देगा। हाँ समझा समझा ठीक है? हाँ अब बात करते हैं ट्रांसपोज का। जैसे ये है, इसको अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ हम ट्रांसपोज पे क्लिक करते हैं तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओ अच्छा हाँ पेस्ट स्पेशल में अगेन ट्रांसफर करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है? हाँ समझो समझो मतलब अगर डेटा को तो ए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हाँ, में करना है हॉरिजॉन्टल टू तो वो वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, सिंपल सा बता रहा हूँ। अब बात करते हैं लिंक की। जैसे कि आपके सामने डेटा रखा हुआ है ना सर, मुझे सेम डेटा डालना है किसी और सीट पे या किसी और सेल पे, किसी और फाइल पे, और लिंक होना चाहिए कि जब मैं यहाँ चेंज करूँ तो वहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। तो ये लिंक करने के दो तरीके। पहला है कि हम इक्वल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड आ जाता है। आ गया? हमने क्या किया? ड्रैग किया है इसको, कि हमने पहले सिलेक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग की है और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग की। तो ऐसे में क्या होता है कि सिक्वेंसली आता है, लेकिन आप एक आपको कुछ कुछ कॉलम करना है। जैसे मैं जय करना चाहता हूँ, इसको करना चाहता हूँ और अपने लोग करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, हाँ फिर कॉपी किया। और आपके एक पेस्ट स्पेशल में होता है पेस्ट एज ए लिंक। दिख रहा है सर? पेस्ट एजल लिंक, तो पेस्ट एज ए हाँ लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिंक होगा। अगर कलर के रेट में चेंज होता है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब 85% की जगह पे मैं 95% करूंगा ना, एंटर मार दे, देखिए चेंज हो जाएगा। तो एक हमने एक ही सीट पे किया, सेम आप किसी और सीट पे कर सकते हो या किसी और फाइल पे क्लिक कर सकते हो, डेटा आपस में लिंक रहेगा। ठीक है? ओके समझ गए? हाँ समझ में अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कि हमें इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मान लीजिए मुझे छोटा करना है या रोटेट करना है, तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट एज ए पिक्चर, दिख रहा है, पेस्ट एज ए पिक्चर कर देंगे तो ये आपका पिक्चर शो बन गया है इसको। अब इसको अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए, रोटेट करना है रोटेट कर दीजिए, मैं तिरछा करना है, कहीं और सेट करना है तो आराम से सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अब देखिए इस डेटा को मैं इतना छोटा कर दिया, अगर मैं पेज लेआउट में जाके अगर गिर लाइन को हटा दूं तो पता थोड़ी चलेगा ये फोटो है। लेकिन होता है क्या कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा करता तो पूरा कॉलम छोटा हो रहा है ना, दिख रहा है सर आपको? पूरा कॉलम छोटा हो रहा है ना। हो सकता है कि यहाँ पे हाँ पहले से कुछ टाइप हो, और छोटा करने पे देख पा रहे हैं कि आपका ये डेटा भी सही से नहीं दिखता है, इसलिए पेस्ट इसे पिक्चर कर देते हैं ताकि इसका पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये आपके डेटा के साथ लिंक नहीं होता है। कल के रेट में डेटा में किसी तरह से 300% की जगह पे मैं 30% कर देता हूँ तो आपके यहाँ पे देखिए 300% की है, क्योंकि लिंक ही नहीं है। आप चाहते पिक्चर भी रहे और लिंक भी हो तो इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इस पे हम आते हैं पेस्ट एज ए, यहाँ दिख रहा है आपको पिक्चर लिंक, पेस्ट एज ए पिक्चर पिक्चर लिंक। लिंक ठीक है?
मतलब वो चेंज होगा डाटा। ओके हाँ, अगर मान लीजिए मैं कल के डेट में अगर 16% कर देता हूँ, तो देखिए हो गया यहाँ पे 16%, किधर? नहीं हो गया ये कविता नहीं दिख। 16%, तो अच्छा यहाँ पे वो नाइनटी वाला? फाइव हाँ परसेंट है, इसके 59% करके एंटर मार दो, हो गया चेंज सर। हाँ हो गया। अब कलर भी करते हैं ना, इसे जस्ट डेटा ही चेंज नहीं करता है, कलर भी चेंज करता है। ऐसे मैं कलर इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मेट प्रिंटर। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग एक्सेल कर दिया और मुझे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए, तो आप इस फॉर्मेट्स इस पे क्लिक करके यहाँ पे ले आ सकते हैं, लेकिन मुझे कई सारे जगह पे चाहिए तो डबल क्लिक कर दीजिए, वो आपका जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगा। कब तक? कि जब तक वापस क्लिक करके मैं डीएक्टिवेट ना कर दूँ, ठीक है। अब कहीं पे क्लिक नहीं होगा, समझ गया?